नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे पास यामा की MT15 बाइक आई हुई है और इसके इंजन में से नॉइस आ रहा है। मैं आपको सुनाता हूँ उसमें किस तरीके का नॉइस आ रहा है। ये इसका स्टैंडर्ड RPM है दोस्तों, और जैसे इसमें मैं एक्सीलेटर दूंगा तो इसमें एक खटक खटक करती हुई साउंड आएगा। कुछ इस तरीके का इसके अंदर रॉकर से रिलेटेड कोई साउंड आ रहा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट से इसका इंजन बाहर लेते और इसका हेड ओपन करके देखते इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, फाइनली हमने इंजन को गाड़ी से अलग कर लिया है। अब फटाफट से इसको डिसमेंटलिंग करते हैं और इसका हेड बाहर निकालते हैं और देखते इसमें वो जो साउंड आ रहा था वो किस चीज़ का है। दोस्तों, इसका हेड का टॉप कवर खोलने के बाद इसका वाल क्लियरेंस का जब मेजरमेंट हमने चेक किया तो इसके इनलेट वाले वाल मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जो इसका एग्जॉस्ट वाला वाल मेजरमेंट है उसमें इतनी चाल है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इस तरीके की इतनी चाल हो रही है जिस वजह से इसके अंदर साउंड आ रहा था। अब ये चाल इतनी क्यों हुई है तो उसके लिए हमें इसके रॉकर बाहर लेने पड़ेंगे। तो फटाफट से इसका हेड डिसमेंटल करते हैं, हेड को इंजन से अलग करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं इसकी रोकर में इतनी प्ले क्यों हुई है जिस वजह से इसका साउंड आया है। दोस्तों, इसका कंप्लीट इंजन बाहर लेने के बाद हमने इसका हेड सिलेंडर ओपन किया है और वो जो इसके अंदर टिक टिक का साउंड आ रहा था दोस्तों, वो इसका एक रोकर ख़राब होने की वजह से आ रहा था। इसका ये वाला रोकर डैमेज हो चुका है, इसके अंदर इतनी चाल हो गई है इस वजह से इसके अंदर साउंड आ रहा था। तो अब ये एग्जॉस्ट वाला रोकर हम इसका चेंज करेंगे और इसके अलावा हमने इसका ब्लॉक भी चेक किया है। ब्लॉक बिल्कुल ओके, पिस्टन पूरा ओके और इसके हेड वगैरह सब कुछ ओके है। तो फटाफट से इसके रोकर चेंज करके इसकी फिटिंग करते हैं और फिर आपको बताएंगे इसमें पहले जिस तरीके का साउंड आ रहा था और रॉकर डालने के बाद किस तरीके से आता है। तो मिलते हैं इसकी फिटिंग के समय। Thank you.
फाइनली हमारा इंजन असेंबलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो ये रोकर ख़राब था ये हमने रिप्लेस कर दिया है, और इसके हेड सिलेंडर की गैस्केट भी हमने चेंज करी है, और इसकी पूरी फिटिंग कर दी है। थ्रोटल बॉडी और इंजेक्टर हमने लगा दिया है क्लीन करके। अब फटाफट से इसको गाड़ी में चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करके इसका साउंड दिखाएंगे, पहले किस तरीके का साउंड आ रहा है और अभी ये रॉकर डालने के बाद किस तरीके का साउंड होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों फाइनली हमने इंजन को गाड़ी के अंदर असेंबल कर दिया है और इसकी थ्रोटल बॉडी, इंजेक्टर वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह सारे क्लीन करके इसके अंदर फिटिंग कर दी है। पूरी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डालना है और कूलेंट डालना है और टैंक लगा के इसको स्टार्ट करना है। तो फटाफट से इसके इंजन ऑयल डालते हैं और फिर कूलेंट डालते हैं। फाइनली हमारी बाइक जो यामा की MT-15 थी, जिसमें इंजन के अंदर नॉकिंग का साउंड आ रहा था, कुछ टेपिट जैसा इसके अंदर जो साउंड आ रहा था वो कम्प्लीटली हमने सही कर दिए और गाड़ी की पूरी कंप्लीट वॉशिंग करके पूरा पैक कर दिया। कस्टमर को डिलीवर करना है। मैं एक बार आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। तरीके का इसके अंदर साउंड था जो कम्प्लीटली सही हो चुका है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो यामा MT-15 का इंजन रिलेटेड साउंड के लिए। चाहेंगे दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।